कितनी बार बोला है तुम्हें मेरे लिए हाफ फ्राई बनाया करो, लेकिन तुम वही बनाओगी ना जो तुम्हें पसंद है। अरे नाश्ता तो करके जाओ, पता है 2 दिन से मैं बीमार हूं, फिर भी उठ के नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए, कितने प्यार से। सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ फिर भी तबीयत खराब हो जाती है तुम्हारी, पता नहीं क्यों मैंने आई बाबा की बात मानकर इंडिया जाकर शादी की। हेलो आई, कैसी आई तुम्हें, सब ठीक है ना घर पे? हाँ बरी है ग, सब ठीक है। बाबा भी ठीक है। अभी भी आए हम दोनों वॉक करके पार्क से। रोज सुबह तो योग भी कर लेते हैं आस्था टीवी देखकर। मुझे तो घूमने से टाइम नहीं मिलता माँ, जब से अमेरिका आई हूँ शादी करके आसपास के सारे शहर घुमा लाए हैं तुम्हारे दामाद। हर सैटरडे घूमने जाते हैं हम दोनों, और संडे तो खाना बाहर ही रहता है रेस्टोरेंट में। माँ यहाँ डोमेस्टिक हेल्प बहुत महंगे है ना, इसलिए घर का काम मैं ही करती हूँ, वेट कंट्रोल में रहता है एक्टिव रहने से। नहीं नागेश, नागेश बाहर गए हैं माँ, शाम को भी कोई ना कोई मीटिंग में रहते हैं। अभी फोन आया था, आई मिस यू कह रहे थे। ऐसे ही खुश रहा कर। आई बाबा को फोन दो। बाबा, बाबा टॉयलेट में है। अच्छा सुन, तेरे भाई ने शादी कर ली है। कब? तुमने मुझे बताया नहीं माँ। पर कुशल ने ऐसे कैसे? गोट मैरिज करके ले आया बहू को सीधा घर। और अगले दिन तो वो हनीमून के लिए भी निकल गए। रियली? चांगली है गा मुलगी, स्वाति देसाई नाम है उसका। अब तो खुद का बिजनेस चालू कर रहा है कुशल। क्यों, नौकरी छोड़ दी क्या उसने? अरे हमारी चिंता मत कर तू, बेकार में सबका टेंशन ले लेती है। तू अपनी गृहस्थी संभाल, तू वहां पे अभी परदेश में है, हम लोग तो यहाँ सब अपने ही देश में है ना। नागेश का आशीर्वाद सांग, खुशहाल रहा बेटा, रखती हूँ। अच्छा आई ठेवते मी। बरं केलं नाही सांगितलं।
आ गए तुम? मीट माय बिजनेस एसोसिएट। हाय, आई एम अनिता डी क्रूज, मिसेस नागेश पेडनेकर। She's going to be having dinner with us. Sure. What would you like to have? I love Indian. Chicken curry and garlic naan, right? I know your taste. Shall we get in and discuss our business growth? Please, this way. क्या क्या डिनर ऑन द ठीक है ना? सब सब ठीक है। तेरी आवाज को क्या हुआ? तुझे सर्दी हुई है क्या? तुम्हारी और बाबा की बहुत याद आ रही है। आई मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं फोन करती हूँ। बेटा कुशाल, कितने फोन किए तुझे, अब जाके तूने फोन किया है। तूने बैंक का लोन क्यों नहीं दिया? हाँ, क्या किया तूने इतने पैसे का?
और ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसका तू हिसाब नहीं दे सकता? तू तो अपना घर बिकवा कर जाकर ससुराल में रहने लग गया है, और मैं कहाँ जाऊँ? अरे आई, कितने बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में भी तो रहते हैं, मैं और तेरी बहू आते रहेंगे ना तुझसे मिलने के लिए। तू मुझे ओल्ड एज होम जाने के लिए कह रहा है? हाँ, कितना बदल गया है तू कुशाल, बहू के आने के बाद और बाबा के जाने के बाद। तुझे अपनी माँ की दया नहीं आती है कहते हुए कुशाल मधु, बहुत दिनों बाद फोन किया तुमने, सब ठीक तो हो? हाँ आई, ऐसे थोड़ी बिजी हो गई थी, लेकिन आई सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज भारी भारी सी लग रही है। अरे वो यूं ही जरा सर्दी हो गई थी ना, इसलिए। तुम लोग कैसे हो बता? घर पे बैठे बैठे बोर हो गई थी ना, तो मैंने एक बैंकिंग का कोर्स कर लिया था और एक बैंक में जॉब भी लग गई। वो याद है आपको संध्या, मेरी स्कूल की फ्रेंड? उसने मेरी बहुत मदद की, वो वीपी है इसी बैंक में, और आज मुझे प्रमोशन भी मिल गया। आई आज मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। नागेश कैसा है? नागेश मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, उन्होंने तो मेरा बैंकिंग कोर्स का खर्चा भी उठाया, उनकी वजह से तो आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट हुई हूँ। अच्छा माँ, पैसे वैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर है तो बोलो, मैं कुशल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। अरे तू हमारी चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा आई, बाबा से बात कराओ ना, वो एक शादी में गए हैं। आई आप एक काम करो ना, कुशल को बोलो ना एक स्मार्टफोन दिला दे, वीडियो कॉल करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। एक साल के ऊपर हो गया है मैंने आपको, बाबा को और कुशल को नहीं देखा, अब तो स्वाति को भी देखना है। बहुत याद आती है माँ आप लोगों की। हाँ बेटा, मुझे भी तुझे देखना है और गले लगाकर बहुत प्यार करना है। मैं अब फोन रखती हूँ, बैंक में हूँ ना, बॉस भी है, वॉक कर रहे हैं। हाँ अच्छा, अपना ख्याल रखा। कितने फोन कॉल्स किए आपको, ना फोन उठाते हो ना कॉल बैक करते हो। घर खाली करने का नोटिस भेजा था बैंक ने, वो तो आपको मिला ही होगा। लोन की एक किस्त भी नहीं चुकाई आपके बेटे ने। देखिए सिर्फ 2 दिन है आपके पास, उसके बाद यहां बैंक का ताला लग जाएगा। हेलो मिसेस नगरकर जी, मोक्ष ओल्ड एज होम से बात कर रही हूँ, आपने इंक्वायरी की थी ना, आप कल से आ जाइए, एक बेड खाली हो गया है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे थे मधु? मेरा बेटा है, उसने घर की बहुत बहुत जिम्मेदारियां उठाई हैं। अपने भाई की पढ़ाई के लिए उसने होम ट्यूशंस की और उसकी पढ़ाई उसकी नौकरी मिलने तक उसने शादी नहीं की। इसलिए अगर मैं लेट दीनानाथ नागरकर भी हो जाऊं तो भी तुझे पता ना चले। वो चाहते थे कि तू अपने हिस्से की सारी खुशियां लूटे। उन्होंने मुझे मना कर रखा था मधु कि मैं तुझे कोई टेंशन ना दूं। तेरे बाबा ने कुशाल के बिजनेस के लिए ये घर बैंक को गिरवी रख दिया, लेकिन कुशाल ने बैंक को एक पाई भी नहीं चुकाई और बाबा के जाने के बाद हमको छोड़ के चला गया। बेटा रुक, मधु मैं पानी लेके आती हूँ। पानी पी ले। कल मैं भी ओल्ड एज होम चली जाऊंगी। नागेश कैसा है? अनायता, यू आर द बेस्ट बिजनेस पार्टनर आई कुड हैव गॉट फॉर दिस ऐप बिजनेस। यू नो आई एम सो श्योर डार्लिंग, वी विल रॉक इट, वी विल हैव अ ब्लास्ट। श्योर, सो लेट्स टॉक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट टुमारो। व्हाटएवर आई हैव इज ऑल योर्स बेबी। बाय, सी यू। Bye. Tum. You have no respect for her marriage. You married a woman, not a bonded slave. क्या कर रही हो?
कहाँ जाओगी? अरे अमेरिका ही अमेरिका। दो दिन भी मेरे बगैर रह नहीं पाओगी तुम। अरे कहाँ जाओगी? पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? खाओगी क्या, करोगी क्या, और घर जाके क्या बोलोगी? छोड़ दिया अपने पति को या उसने निकाल दिया? जाओ, जाओ। भला हो संध्या का माँ जिसने मेरी मदद की थी परदेश में, बहुत सारी पार्ट टाइम नौकरियां की थी, सिर्फ चार चार घंटे सोते थे, कैसे भी करके मेहनत करके एक बड़ी डील क्रैक कर ली, पैसे जमा किए, ट्रांसफर लेकर मैं आ गई अपने आई के पास। हमेशा इतना सब कुछ हो गया और तू कहती रही सब ठीक है। पापा का बेटा हूं ना, जब तक तेरा बेटा मधु जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा, कोई भी मेरी आय मेरे पापा के घर से निकाल नहीं सकेगा। This is your pay order, the full and final payment of the house. Thank you, madam, and we're sorry for the inconvenience. Okay then. Madhu, I. आई आपको पता है मेरा मन हमेशा बाबा के इस घर से और तुम्हारे साथ ही रह गया था। विदेश जाने का तो कोई शौक नहीं था मुझे, और तो बाबा ने रिश्ता करवा दिया सो हमेशा वापस आने के दिन गिनती रहती थी। अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं और कभी नहीं जाऊंगी आई। और आई मैंने एक और फैसला किया है, हर महीने अपने सैलरी से एक चौथाई पैसा मैं उस ओल्ड एज होम को दूंगी जिसने मेरे आई को उस वक्त सहारा दिया था जब उसका कोई सहारा नहीं था, और वैसे भी वहां के बुजुर्ग किसी ना किसी के माँ बाप तो होंगे ना, उनके देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं और पार्क चलेंगे साथ में वॉक करने।